हाय गाइस, दिस इज़ मी योर होस्ट एवेटार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया ही रहे। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि फ्री फायर के अंदर यहां पर लक रॉयल सेक्शन में एक न्यू इनक्यूबेटर बंडल्स आ गए हैं और ये जोकर जैसे बंडल्स है जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी गिव अवे की अनाउंसमेंट भी करूंगा, जो कि इस वीडियो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई मैं कुछ कोड्स है जो कि गिरने ने मुझे दिए हैं वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो शायद वो मैं कम्युनिटी सेक्शन में ही मतलब ज़्यादा होंगे, शायद सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लक रॉयल सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर आप इस बंडल को देख लो भाई, ये कितना ओपी बंडल है। यहाँ पर मेरे पास 1000 डायमंड्स है, साथ में जो है मेरे पास ऑलरेडी 3 स्टोन्स है। तो मुझे अभी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि भाई ये मुझे निकलेगा या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला स्पिन करता हूँ 20 डायमंड्स का, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो है 3 स्टोन्स है और ब्लूप्रिंट्स की ज़रूरत है। देखते हैं भाई रेयर आइटम निकलता है या नहीं, फिर से हम 20 का करेंगे भाई। मुझे पता है कि पहले तो ये मुझे देगा ही नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा चलो भाई ये फ्रेगमेंट्स इसका हम क्या करेंगे भाई। यहाँ पर 180 का, चलो भाई 20 का एक बार करते हैं, उसके बाद जो है हम 180 का करेंगे। 180 अभी 50% ये डिस्काउंटेड भी है मेरे ख्याल से। चलो भाई ओके 180 भाई, 20 का मतलब डिस्काउंटेड है यार। चलो तो भाई यहाँ पर जो है हम 180 का मैंने कर लिया, 20 का डिस्काउंटेड था यार, मतलब हमने गलत किया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्योंकि 1 में हमें निकलेगा नहीं, उसमें ये फ्रेगमेंट्स वगैरह इस पर भी हमें नहीं मिला यार, ये सब चीज़ें मिल गई तो ये हमें नहीं चाहिए भाई। हम फिर से 180 का मैंने कर दिया है और 5 स्पिन इसमें होंगे, तो भाई बस इस बार निकलेगा या नहीं, निकलेगा या नहीं, नहीं निकला भाई यार, नहीं निकला, नहीं निकला, यही सब कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर हम फिर से 180 का करते हैं और इस बार तो शायद निकलेगा ही निकलेगा भाई यार, निकलेगा, निकले भाई, नहीं निकला यार। ओ भाई एक स्टोन मिल चुका है, एक स्टोन मिला है, ब्लू प्रिंट भी, ओ भाई साहब। चलो भाई दो चीज़ें हमें मिल गई है जो कि रेयर चीज़ें हैं, चलो ये भी तो मतलब एटलीस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर हम इसको अभी एक बंडल ही और रिडीम करते हैं, इसको एक्सचेंज करते हैं, और मेरे ख्याल से एक भी बंडल ठीक है, मतलब इसका क्या करेंगे, दोनों सभी सेम बंडल्स ही है, इतनी डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक बंडल को एक्सचेंज करता हूँ जो कि सबसे नीचे वाला होता है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है सबसे डाउन वाला जो बंडल होता है जो कि 3 स्टोन्स पर और एक ये वूचर पर, सॉरी यार ब्लू प्रिंट पर आपको मिल रहा होता है ना, ये सबसे अच्छा होता है और रेयर भी होता है। ये देखो भाई इसकी लुक भी सबसे अच्छी है मेरे ख्याल से, तो इसको हम करते हैं भाई यहाँ से एक्सचेंज। चलो तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ कंप्लीट है और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हमें बंडल जो है ये मिल चुका है। इसको पूरा पहन के भी मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका एक छोटा सा स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा बंडल जिस इसकी लुक कैसी है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो स्क्रीन शॉट हो गया, हम यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं, ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद पूरा का पूरा बंडल फिर इक्विप करेंगे। तो इसको हम क्विक इक्विप कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो है लॉबी में आके यहाँ पर जो है आप इस पूरा बंडल को देख लीजिए, पूरा बंडल इसकी लुक कितनी ओपी है मेरे भाई यार, अच्छा बंडल है। गाइज आप लोगों में से किस किस ने ये बंडल लिया है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो एंड जिसने नहीं लिया है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, और जिसने लिया है आपको कितने डायमंड्स में ये बंडल मिला ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।